गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण, जिसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2। पार्ट 2 करने के लिए हम कहाँ पर थे? यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड और अ योर मदर ऑन हर बर्थडे। आपको लास्ट पार्ट 1 में बताया गया था किस तरह से लिटमस पेपर पर डालने के बाद कलर चेंज हो जाता है, इसकी हेल्प से आप अपने घर में किसी का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, उसके लिए कार्ड वगैरह बना सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 5.3। कलेक्ट सम चाइना रोज, जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। गुड़हल की कुछ पत्तियां लीजिएगा और एक बीकर लीजिएगा। एट सम एट सम वार्म वाटर कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिविन टेबल 5.4। तो आपको क्या करना है, गुड़हल की पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ इकट्ठी करनी है और उन्हें किसी बीकर में रखना है। इससे उनमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे, मिश्रण को कुछ समय तक रखेगा और जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिएगा। इस सूचक की 5-5 बूंदे सारणी 5.4 में दिए गए विलयन में मिलाइएगा। जैसे दिया है इसमें शुरू में दिया है शैम्पू डिल्यूट सॉल्यूशन, तो शैम्पू जो है तनु विलयन है हमारा। तो इंटिल कलर क्या है उसका और फाइनल कलर क्या है, यूज करने से पहले कलर कैसा और बाद में यूज कलर उसका कैसा। अब बूजो के दिमाग में कोई फिर से विचार आ रहा है तो बूजो कहता है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई? तो बूजो कहते हैं, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र को खाने के सोडे के ठोस कण में रखती हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते हैं, क्यों? मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण हमें करना है। नेक्स्ट आता हमारा एक्टिविटी 5.4। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो देखिए, स्कूल के टीचर से आप अपेक्षित करेंगे कि अपने विद्यालय की लेबोरेटरी में के आसपास किसी विद्यालय के निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम चूने का पानी कहते हैं। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए अपने प्रेक्षकों को। अब आपको लिखना है सारणी 5.4 में लिखना है जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस एंड रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। इट इज अ कॉल्ड We are going to use an indicator you have not used so far. It is called a phenolphthalein. तो देखिए, किसी एक परख मिले में एक चौथाई भाग को जब मिलाते हैं तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने कभी प्रयोग नहीं किया है, इसे हम कहते हैं फिनॉल्फ थेलिन। इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल्फ
थेलिन। फिनोफ्थेलिन। नेक्स्ट आता हमारा एक्टिविटी 5.5, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन आल्सो, एड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। तो क्या करना है, किसी परख में लिखे चौथाई भाग को तनु हाइड्रोसेक्ट अम्ल से भर लीजिए, इसका रंग नोट कीजिए, फिनोल्फथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कर लीजिए, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइएगा और आगे अब एक परीक्षण कीजिए। धीरे से उनको हिलाना है और आपको अम्ल में के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है उसके बारे में हम जानेंगे। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एन एसिड, एज नेम इंडिकेटर द रेन कंटेनिंग एक्सेस द कोल्ड एंड एसिड रेन, वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, द रेन बिकम द बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, क्या आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है, क्या आपने कभी अम्ल वर्षा का के प्रतिशारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में से अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुल करके क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुँचा सकती है। अब ऊष्मा जिसमें निर्मुक्त होती है उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर नाउ एड 1 more drop ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज ऑब्जर्व द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स सॉल्यूशन, अगेन एड 1 drop ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन्स बिकॉज पिंक इन कलर, इट इज एविडेंट, इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो जो हमारा सॉल्यूशन है इसका बेसिक है इसका, उसके बारे में जानेंगे हम। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हमारी उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा से निर्मुक्त होने के साथ 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 लवण और जल निर्मित होते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution when an acid solution and the base solution are mixed in the solution and mounts, both the acidic nature of the base are destroyed, the resting solution in neither acidic nor base. Does the test tube immediately after neutralization, and what do you observe in neutralization reaction? तो देखिए, आप क्या जानेंगे, किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम करते हैं। तो इनको कैसे करते हैं हम, एसिड
बेस सॉल्ट वाटर हीट इन इवॉल्व। तो अम्ल क्षारक लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोरिक वाटर बूजो एडिड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन लाइम वाटर। अब बूजो के दिमाग बूजो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा ये जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो डेली बेस में यानी कि दैनिक प्रतिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का जो उदाहरण है वो देखते हैं। नंबर वन पे होता है हमारा इंडिकेशन। इन डाइजेशन क्या होता है, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर टू। जैसे कि आपने चैप्टर टू में देखा था कि हमारा स्टमक किस प्रकार से डाइजेस्ट करता है, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज द इनडाइजेशन। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन की हो जाता है और कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। हमने कुछ खाया है और वाइट जैसे इसे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आंट बाइट चींटी का जो डंक होता है उसके बारे में बात करते हैं। When ant bites, it injects the acidic liquid from acid into the skin. अब हमारे देखा होगा आपने जब कभी चींटी काट जाती है तो वो स्थान लाल हो जाता है और वहां से थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। तो जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि मृदा उपचार। मृदा उपचार क्या है हमारा, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। एक्सेसिव यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षारीय होती है तो पादप पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना जिसे शार्कों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और उनकी क्षारकीय प्रवृत्ति को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है अपशिष्ट होता है कारखानों का अपशिष्ट। द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्ट्रीज कंटेन एसिड इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो अनेक कारखानों में के अपशिष्ट कचरा जो होता है अम्लीय पदार्थ निर्मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहाने दिया जाए तो मछली अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन किया जाना चाहिए ताकि जो जलीय जीव जंतु हैं उन पर कोई प्रभाव न पड़े। इसी के साथ स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 5 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में वर्क करना है, वीडियो को वॉच करना है, बुक को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।